नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। एक छोटी सी कहानी। तमिल के महान संत हुए हैं संत तिरुवल्लर। एक बार उनकी धर्म सभा चल रही थी। सभी भक्त बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और अपनी अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे थे। अचानक श्रोताओं में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और उनसे पूछता है कि ईश्वर कहाँ है। आप सभी कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन ईश्वर हमें कहीं दिखाई तो नहीं देता। आप लोगों से यूं ही कहते हो कि ईश्वर है या वाकई सचमुच में ईश्वर है? मैंने कई लोगों से ये बात पूछी लेकिन किसी ने भी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। अब आप ही बताइए कि ईश्वर कहाँ है और है तो हमें क्यों नहीं दिखता है। उसकी बात सुनकर संत तिरुवल्लर मुस्कुराए और उन्होंने एक मेहंदी का कौन लिया और उस व्यक्ति से कहा कि इसे अपने हाथों में लगाओ। उसने मेहंदी हाथों में लगाई, तब कहा इसका रंग कैसा है? तो बोला हरा है। थोड़ी देर के बाद जब मेहंदी सूख गई, उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ हाथ धोकर आओ। वो व्यक्ति हाथ धोकर आता है, तब वो देखता है कि उसका सारा जो हाथ है वो हरे रंग की बजाय लाल रंग का हो गया है। तब संत उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे ये हाथ लाल कैसे हो गए, तुमने तो हरी मेहंदी लगाई थी। तब वो उसे समझाते हैं कि जिस तरह से ये मेहंदी हरी थी लेकिन उसके भीतर लाल रंग छिपा हुआ था, इसी तरह से ईश्वर सब जगह है, सब लोगों के अंदर मौजूद है। उसे हम अपने उचित सामर्थ्य के अनुसार ही महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए ईश्वर को महसूस करना है, ईश्वर को देखना है, तो अंतस की आंखों से उसे देखिए और महसूस करिए। संत की बात सुनकर, ये उदाहरण सुनकर सभी लोग संत की जय जयकार करने लगे।